नाज़रीन गिरामी, ये उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था जब इस ऐद में वादी सिंध, जो कि आज पाकिस्तान की सूरत में दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, में हिंदू राजा दाहिर का फरेरा लहरा रहा था। जबकि राजा दाहिर के बैरी कजाकों ने मुसलमानों का काफिला लूटा तो एक मुसलमान बच्ची ने मौका पाकर खलीफा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को एक खत के जरिए मदद के लिए पुकारा तो इसने अपने जवां साल भतीजे, जिसकी उम्र अभी बमुश्किल 17 साल थी, को एक फौज देकर भेजा जिसने दीबल यानी मौजूदा कराची के साहिल पर हिंदू फौज को शिकस्त दी और फिर मुसलसिल अपनी फतुहात के झंडे लहराता हुआ मुल्तान तक पहुंच गया। मोतबर तारीखी किताबों के मुताबिक जब राजा दाहिर एक मार्के में रिस्के खाक हुआ तो कई खजानों के अलावा इसकी दो खूबसूरत बेटियां भी माले गनीमत में शामिल थीं, जिनको खलीफा के दरबार में बतौर तोहफा भेज दिया गया। लेकिन अब दरबार खिलाफत का माहौल बदल चुका था और वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफात के बाद इसका छोटा भाई सुल्मान बिन अब्दुल मलिक सरीर आराय सल्तनत हो चुका था। मौजूदा खवातीन हजरात, ये तारीख का एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद खास तौर पर मुस्लिम जर्नैलों के खिलाफ कई एक खूनी बाब रकम किए गए, जिसमें इस अजीम जर्नैल मोहम्मद बिन कासम की अजियतनाक शहादत भी शामिल है। वाकया कुछ यूं है कि सल्तनत बनु उमैया का ताकतवर तरीन गवर्नर हजाज बिन यूसुफ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को खलीफा बनाने के हक में नहीं था, जिसकी पादाश में न सिर्फ सुलेमान ने इसको ओहदे से सबकदोश कर दिया बल्कि इसकी जगह एक ऐसे शख्स साली बिन अब्दुल रहमान को गवर्नर बना दिया, जिसके भाई को हजाज बिन यूसुफ ने बेईमाना तौर पर अजियतें देकर कत्ल किया। सो इंतकाम की आग से झुलसता सीना लिए साले बिन अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन कासिम, जो कि हजाज बिन यूसुफ का भतीजा था, के खिलाफ खलीफा के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके बाद खलीफा के हुक्म से इस अजीम जर्नैल को इसके मनसब से हटाते हुए पाबा जुलां बसरा लाया गया, जहाँ इसको कैद करते हुए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ जब खलीफा ने राजा दाहिर की बेटियों को अपने सामने तलब किया तो वो उसकी बड़ी बेटी सूर्या बेगम के हुस्नो जमाल का असीर होकर रह गया और फैसला किया कि वो इसके साथ शादी करके इसे अपने हरम का हिस्सा बना ले। लेकिन जब ये पैगाम सूर्या बेगम तक पहुंचा तो इस हराफा ने अपने वालिद की शिकस्त का बदला चुकाने के लिए एक नई चाल चली और कहा कि वो इस काबिल नहीं कि खलीफा के हरम का हिस्सा बन सके, जिसका सबब बताते हुए इसने कहा कि खलीफा का जर्नैल इसे यहाँ भेजने से पहले अपनी हवस का निशाना बना चुका है, और मजीद तैश दिलाने के लिए कहा कि क्या मुसलमानों के यहाँ ये रिवाज पाया जाता है कि जर्नैल माले गनीमत में आने वाली हसीनाओं को कुचलने के बाद इन्हें अपने खलीफा के लिए बतौर तोहफा भेजें। नाज़रीन गिरामी, हवस और इक्तदार के नशे में मुबतला खलीफा के लिए ये ताना किसी आतशी ताजियाने से कम न था, सो इसने इस बेहूदा इल्जाम की तस्दीक करने के बजाय फौरी तौर पर यह फरमान जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम जहां और जिस हालत में भी हो, इसे एक बैल की खाल में बंद करके दरबारे शाही में हाजिर किया जाए। सो ये फरमान जब साले बिन अब्दुर्रहमान के पास पहुंचा तो इसने बगैर कोई वक्त जाया किए इसे बैल की खाल में सी कर दारुल खिलाफे की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन कैद और तशद्दुद की सख्तियों का मारा हुआ तारीख का ये अजीम सपूत ये जुल्म बर्दाश्त न कर सका और रास्ते में ही दम तोड़ गया। और जब इसकी लाश शाही दरबार में लाई गई तो खलीफा ने सूर्या बेगम को तलब किया और इसे मोहम्मद बिन कासिम की लाश दिखाते हुए फखर से कहा कि देख लो मेरा हुक्म अपने मातहतों पर इस तरह चलता है। जिस पर इस हराफा ने कहा कि हाँ, आज मैंने अपने वालिद के कत्ल का बदला ले लिया। इसने मजीद कहा कि तुम्हारे जर्नैल ने हमारे साथ दस्तराजी तो कुजा, हमें आंख उठाकर देखा भी नहीं था, लेकिन चूंकि इसने हमारी सल्तनत हमसे छीन ली थी, इसलिए मैंने इंतकाम की आग बुझाने के लिए ये चाल चली थी, जो कि कामयाब रही। ये बात सुनकर सुल्मान बिन अब्दुल मलिक के होश उड़ गए, लेकिन अब तीर कमान से निकलकर खुद इसी के सीने में पेवस्त हो चुका था। नाज़रीने गिरामी, सुल्मान बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का वो वाहिद खलीफा है जिसने अपनी हमाकतों और इंतकाम के जेरे असर न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम जैसे काबिल जर्नैल को कत्ल किया बल्कि इसके नामाए आमाल में और भी कई ऐसे अजीम जंगजुओं का कत्ल शामिल है जिन्हें तारीख आज भी अपने ऐद के अजीम मुस्लिम जर्नैलों की सफ में शामिल करती है, जिनमें सरे फहरिस्त फाते उंदलस, तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको ये एजाज भी हासिल है कि इसने अपनी मौत से कबल एक ऐसी शख्सियत को बतौर खलीफा मुकर्रर किया जिन्हें उम्मत उम्र सानी यानी उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखा कीजिए। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका, हमारा और मुल्क खुदादाद का अल्लाह निगेबान।